this box, I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. मैंने कहा ये बॉक्स बहुत अच्छा है. मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी क्योंकि इस कमरे में आने वाली हर एक आवाज़ थोड़ी अलग थी. Oh, you know about them. तुम्हें तो पता ही होगा इनके बारे में. She had turned round and brought me my tea. She laughed. वो वहाँ से आई और उसने मेरी चाय लाते हुए हंसते हुए कहा, My mother says it is antique. मेरी माँ कहती हैं कि ये antique है. We have got lots more. यहाँ पर हमारे पास और बहुत सारे हैं. She pointed round the room. उसने कमरे की ओर पूरे हाथ दिखाते हुए कहा, See for yourself. खुद ही देख लो. I had no need to follow her hand. मुझे उसके हाथों की उंगलियों के इशारों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी. I knew which things she meant. मुझे पता था कि वो किस सामान की बात कर रही थी. I just looked at the still life over the tea table. मुझे वहाँ पर जैसे कि पूरी लाइफ वहाँ रुकी हुई उस टी टेबल पर दिखाई दी. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा से वो प्यूटर प्लेट के ऊपर एक एप्पल का जो डिज़ाइन था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था. वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड. उसने कहा, हम इसे हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर. हमने यहाँ पर जो प्लेट्स टंगी हुई हैं उन पर खाना भी खाया था. ऑन द वॉल, जो दीवारों पर हैं. आई वॉन्टेड टू सो मच, क्योंकि मैं चाहती थी खाना. But it wasn't anything special. लेकिन उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी. Then I found the burn mark on the tablecloth. फिर मुझे वो टेबल क्लॉथ के ऊपर जले हुए निशान जो था वो मुझे मिल गया. The girl looked questioningly at me. वो लड़की ने मुझ पर सवाल करते हुए जैसे देखा. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in this house. तुम लोग ये सारी चीज़ों को छूने की तुम सभी को आदत हो गई होगी इस घर में जो है. यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर. अब तो इसके ऊपर तुम ध्यान भी नहीं देते होगे. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग. सिर्फ तुम्हें को ही पता होता होगा जब यहाँ पर कुछ कम होता होगा या नहीं मिलता होगा. बिकॉज इट वॉज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल. शायद क्योंकि तुमने उसे रिपेयर करवाया होगा या फिर तुम्हें कहीं से मिला होगा. जैसे कि अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस. फिर से ही मुझे जैसे नकली सी आवाज़ मेरी उस कमरे में सुनाई देने लगी. आई वेंट ऑन, मैं आगे बढ़ी. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी. मुझे याद है मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. एक बार मेरी माँ ने मुझे कहा था कि वो चांदी के बर्तन साफ़ करने में उनकी मदद करूँ, लेकिन मैं वहाँ पर उस दिन शायद थकी हुई थी या बोर हो चुकी थी क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी. As she had never asked me before, क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी पहले नहीं मदद मांगी थी. I asked her what silver she meant and she replied, कौन से सिल्वर के बारे में बात कर रही हो? और उसने जवाब दिया, surprised, एकदम चौंकते हुए, दैट इट वॉज द स्पून्स फॉर्क्स एंड नाइफ्स. वो चम्मच, कांटे वाले चम्मच और जो नाइफ्स यानी चाकू थे वो. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग. और वो बड़ी अजीब बात थी. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. मुझे ये चीज़ पता ही नहीं था कि जिस चीज़ों से हम खाना खाते थे वो पूरी चांदी की थी. द गर्ल लाफ्ड अगेन. वो लड़की हंसने लगी. आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर. मुझे पता है तुम्हें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होंगी. आई लुक्ड इंटेंटिवली एट हर. मैं उसकी ओर देखती ही रह गई.